ये देखिए यहाँ से निकलने का रास्ता है, आए भी यहीं से थे, लेकिन हमने आपसे क्या कहा था याद है ना? तब मेरे लिए एक मिनट का रास्ता है 5 मिनट, आपको 5 मिनट में जब नहीं एक्सप्लोर करेंगे एग्जिट नहीं होंगे, 786 से पहुंचना है, तब 1 मिनट में आपको बाहर ला के 786 तक खड़ा कर। आप मिल जाओ, आज भी आती है, कहते हैं कि भूल भुलैया की इस दीवार में अगर कोई दूसरी जगह से दीवार को कान लगा के हेलो बोलेगा तो वो दूसरी साइड में भी उसको सुनाई देगा। मेरा दोस्त उधर है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। लखनऊ की काफ़ी वीडियो देखने के बाद अब हम आ चुके हैं भूल भुलैया। भूल भुलैया के अंदर की वीडियो देखेंगे, भूल भुलैया का टिकट कितने हैं, भूल भुलैया किस टाइम ओपन होता है। तो चलो अब हम चलते हैं भूल भुलैया के अंदर। इससे पहले मैं भूल भुलैया के बारे में आपको थोड़ा कुछ बता देता हूँ। भूल भुलैया लखनऊ के बड़े इमामबाड़ा के अंदर है। लखनऊ के बड़े इमामबाड़ा को भूल भुलैया भी कहते हैं। इसे अवध के नवाब आसफ़ुद्दौला ने 1784 से 1794 के मध्य बनवाया था। इसे भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अभी हम भूल भुलैया का जो टिकट है वो 50 रुपये का है और ये सुबह 6 बजे खुल जाता है और शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। इमाम बाड़ा भूल भुलैया से 50 रुपये का टिकट लेने के बाद हम अभी भूल भुलैया के अंदर जैसे ही आ रहे थे तो साइड से पहले हम लोग भूल भुलैया के अंदर ना जाकर थोड़ा बाहर से हम लोग ये चीज़ें देख सकते हैं, ये झरोके देख सकते हैं, पूरा बड़ा इमाम बाड़ा देख सकते हैं कि बड़ा इमाम बाड़ा किस तरीके, जैसे कि आप देख सकते हैं बीच बीच में झरोके भी बनाए हुए हैं और ये एक गैलरी जो है ये 300 मीटर की गैलरी है। हाँ, और इसमें ना यहाँ पे आपको ये दाल और बहुत सारी तरह की दाल वगैरह से ये दीवार बनाई हुई है, आप इस दीवार को देख सकते हैं। दोस्तों कहते हैं कि इस भूल भुलैया में चारों ओर चार रास्ते हैं जिनमें 3 गलत और 1 सही है, जबकि इसकी 15 फीट मोटी दीवार और 2.5 फीट चौड़ा रास्ता है। जब पर्यटक इसमें आते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो दीवार के अंदर चल रहे हैं। खास बात यह है कि संकरी दीवारें होने के बावजूद पर्यटक को इसमें भूल भुलैया के अंदर जगह जगह से रास्ते आए हुए हैं। दीवार को कान लगा के हेलो बोलेगा तो वो दूसरी साइड में भी उसको सुनाई देगा। मेरा दोस्त दीवार के अंदर कुछ इस तरीके से बनाई हुई है कि आप सुन सकते हैं अगर दूसरी साइड से कोई बोल रहे हैं तो। अभी हम चलते हैं भूल भुलैया के अंदर और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर दीवारों के भी कान होते हैं, ये कहावत आपने सुनी होगी और भूल भुलैया के अंदर ये देख भी सकते हैं आप। अब हम भूल भुलैया की छत पर आ चुके हैं, अभी बाहर नहीं निकले हैं, तो छत से हम लोग फोटोग्राफी वगैरह लोग कर सकते हैं और छत से आने के बाद आप पूरे भूल भुलैया को, पूरे लखनऊ को देख सकते हैं। अब मेडिकल यूनिवर्सिटी है, KGM जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। देखिए ये तो नज़र आ ही रहा है आपको वाइट वाला, लेकिन वो नज़र आ रहा है वाइट वाला, ये पूरा एरिया एक ही है, एक ही मेडिकल यूनिवर्सिटी है। आपकी निगाह कम पड़ जाएगी, इसके भी आगे बना हुआ है, यहाँ से बस इतने नजर आते हैं। हाँ, पे दो तरह का चिकन है, खाने वाला और पहनने वाला, जहाँ से आपकी मर्जी वहाँ से खरीदिए। ये देखिए यहाँ से निकलने का रास्ता है, आए भी यहीं से थे, लेकिन हमने आपसे क्या कहा था याद है ना? तब मेरे लिए 1 मिनट का रास्ता है 5 मिनट, आपको 5 मिनट में जब नहीं एक्सप्लोर करेंगे एग्जिट नहीं होंगे, 786 से पहुंचना है, तब 1 मिनट में आपको बाहर ला के 786 में खड़ा करें। आप मिल जाओगे हमको? हमारे पीछे पीछे चलो, हम गलत है। Your time is start now, समय शुरू था। दोस्तों भूल भुलैया में कई रास्ते होने से अक्सर लोग यहाँ पर बिना गाइड के रास्ता भूल जाते हैं। हैरानी वाली बात यह है कि रोज शाम को सर्च ऑपरेशन के जरिए यहाँ भटक चुके लोगों को अंदर से बाहर निकाला जाता है। और कोयला सारी चीज़ों का मसाला बना के ईंटे को जोड़ा गया। उस जमाने में अकाल पड़ा, गरीबों को रोजगार दे दिया, नवाबों ने सिर्फ उससे भी इमामबाड़ा बनवाया, भाई तरह जोड़ा था। दोस्तों बता दूं आप भूल भुलैया से बाहर कैसे निकल सकते हैं। एक्चुअली में सूर्य की रोशनी की तरफ ध्यान दें और उसकी तरफ बढ़ते रहें, थोड़ी देर में आप खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे। एक और चीज़ है, वो है यहाँ की सीढ़ियाँ। कुछ सीढ़ियाँ जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं वो असल में आपको गुमराह करती हैं, उनसे बचना है और आप बाहर निकल जाओगे।
दोस्तों ये भूल भुलैया 200 साल पुरानी है। कहते हैं कि इसकी हर दीवार उड़द की दाल, गुड़, बेल, गन्ने के जूस, सिंघाड़े के आटे और शहद को मिलाकर बनाई गई है। यह सब सुनने के बाद आप खुद हैरान हो जाओगे कि एक दीवार इन सब चीज़ों से कैसे बन सकती है। तो उसके लिए आप भूल भुलैया आकर देख सकते हैं। तो जैसे आप भूल भुलैया के अंदर घूमोगे दोस्तों, तो ये एक अंधेरा छोटा सा खिड़की होगी, उससे आप देख सकते हैं। तो ये इमामबाड़ा के अंदर की वीडियो थी जहाँ पर ताजिए वगैरह रखे हुए हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं भूल भुलैया से बाहर और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, हम भूल भुलैया घूमने के बाद बाहर निकल चुके हैं और जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं कि इसी गेट से एंट्री है और इसी गेट से बाहर निकलने की एंट्री भी है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। थैंक यू। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।